औरत खुदा का दिया हुआ एक नायाब तोहफा है। प्रेग्नेंट औरत की 2 रकात नमाज आम औरत की 70 रकात नमाज से बढ़कर है। शोहर परेशान घर आए और बीवी उसे तसल्ली दे तो उसे जिहाद का सवाब मिलता है। जो औरत अपने बच्चे के रोने की वजह से सोना सकी उसे 70 गुलाम आजाद करने का सवाब मिलता है। शोहर और बीवी एक दूसरे को मोहब्बत की नज़र से देखे तो अल्लाह उन्हें मोहब्बत की नज़र से देखता है। जो औरत अपने शोहर को अल्लाह के रास्ते में भेजे वो जन्नत में अपने शोहर से 500 साल पहले जाएगी। जो औरत आटा गूंधते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़े तो उसके रिजक में बरकत डाल दी जाती है। जो औरत गैर मर्द को देखती है अल्लाह उस पर लानत भेजता है। जब औरत अपने शोहर के बिना कहे उनके पैर दबाती है तो उसे 70 तोला सोना सदका करने का सवाब मिलता है। जो पाक दामन औरत नमाज रोजे की पाबंदी करे और जो शोहर की खिदमत करे उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। औरत के एक बच्चे के पैदा करने पर 75 साल की नमाज का सवाब और हर एक दर्द पर एक हज का सवाब है। बारीक लिबास पहनने वाली और गैर मर्द से मिलने वाली औरत कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगी। ये 5 अमल करने वाले व्यक्ति को बहुत ज्यादा सवाब मिलता है। 1. मेहमान को खाना खिलाने में, 2. मैयत को दफनाने में, 3. बालिग लड़कियों का निकाह कराने, 4. कर्ज अदा करने में, 5. गुनाह से तौबा करने में। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़न्बिन वातुबू इलैही। आज आप यह अगर किसी एक को भी शेयर कर दें तो आप सोच भी नहीं सकते कितने लोग अल्लाह से तौबा कर लेंगे इंशाल्लाह। शेयर करना न भूलें।